मेरे साथ उपस्थित हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे वरिष्ठ नेता कहूँ, हमारे मीडिया प्रभारी नरेश चौहान जी का भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज की प्रेस वार्ता आपने आयोजित करने में मदद किया। मैं अपनी बात को रखूँ उससे पहले आप सभी पत्रकार साथियों को, हिमाचल की जनता को आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। कल हम सब लोगों ने देखा, देश के प्रधानमंत्री ने 9वीं बार लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया। लेकिन दुख और पीड़ा हुई जब देश के प्रधानमंत्री ने भाजपा निर्मित बम जो देश पर फेंका है उसके बारे में जिक्र तक नहीं किया। आप सोचेंगे ये कौन सा बम है जो भाजपा की, केंद्र की और हिमाचल की सरकार ने लोगों पर फेंका है। लोग आहत हैं, लोग पीड़ा में हैं भाजपा निर्मित इस बम से। ये बम है क्या? बा से बेरोजगारी, मां से महंगाई। आज ये वो बम है जिसका जिक्र हम सोच रहे थे प्रधानमंत्री जी कहेंगे कि बेरोजगारी और महंगाई का जिक्र करेंगे, पर दुख चिंता है प्रधानमंत्री जी ने एक बार फिर से मुद्दों से भटकाने के लिए ऐसे मुद्दे को ले आए जिस मुद्दे का देश की जनता से कोई सरोकार नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने तय किया था 5 अगस्त को देश भर के हमारे जो चुने हुए सांसद